बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दसवीं क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 11 का आज लास्ट लेसन है, 38 नंबर लेसन है। इसमें एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करेंगे और एक और सवाल है वो मैं कराऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं, उनके बिल्कुल वाजे जवाब मौजूद हैं किताब में, ऑलरेडी आपने पढ़ लिया। एमसीक्यूज में देखें, पहले का आंसर है बी, मैं निशान लिख दिए हैं, आपने ये निशान किताब से लगाने हैं। दूसरे का आंसर है सी, तीसरे का ए है, चौथे का डी है, पांचवें का बी है, छठे का ए है, सातवें का ए है, आठवें का बी है, नौवें का ए है, दसवें का सी, ग्यारहवें का बी, बारहवें का ए, तेरहवें का बी, चौदहवें का डी, पंद्रहवें का बी, सोलहवें का सी, सत्रहवें का सी, अठारहवें का सी, उन्नीसवें का सी, बीसवें का बी, इक्कीसवें का ए, बाईसवें का सी, तेईसवें का सी। ये निशान आपने बुक के ऊपर लगा लेने हैं। अच्छा, ये एक्सरसाइज का पेज नंबर 79 है। इसका एक सवाल है 10 नंबर सवाल। इसमें उसने कहा है कि फंक्शनल ग्रुप जो है उनको सर्कल करें और उनका नाम बताएं। पहला पार्ट है ये, मैंने फंक्शनल ग्रुप को यहाँ तक जो है वो सर्कल किया है। इसका की टोनल ग्रुप है सी, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ओ है। दूसरे का ये जहाँ मैंने बॉक्स बनाया है ये सर्कल कर दिया है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तीसरा जो है यहाँ तक मैंने सर्कल किया है, ये एसिड ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। यहाँ तक ये इसको किया, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और पांचवा जो है ये डबल बॉन्ड जो है ये एल्कीन ग्रुप होता है, एल्कीन ग्रुप। और यहाँ पर ये ईस्टर ग्रुप है, इसको मैंने बॉक्स बना दिया है। बाकी सारे सवाल तकरीबन आप पीछे पढ़ चुके हैं। आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया, कल इंशाल्लाह नया चैप्टर शुरू करेंगे।